गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 10, नोइंग विंडोज पार्ट 2। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग एंड एक्टिवेटिंग द विंडो। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टाइटल बार। तो ये हमें बोल रहा है कि जो लेफ्ट माउस बटन है टाइटल बार पे, उसको उस पर क्लिक करना है और उस बटन पे होल्ड करना है। देन ड्रैग द वर्ड पैड विंडो टू द राइट साइड। तो हमारी जो वर्ड पैड विंडो है, हमें उसको राइट साइड में मूव करना है। नाउ मूव द पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक वंस। आपको अब अपना जो कर्सर है, पॉइंटर है, वो डेस्कटॉप पे लेके जाना है और एक बार क्लिक करना है। द टाइटल बार ऑफ द वर्ड पैड विंडो टर्न्स ग्रे। दिस मीन्स इट इज़ नॉट एक्टिव बट यू कैन रीड द टेक्स्ट इन वर्ड पैड विंडो। तो जो टाइटल बार है वर्ड पैड का, मैं अभी आपको शो करती हूँ, तो वो ग्रे हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा एक्टिव नहीं है प्रोग्राम, पर आप उसमें से कोई भी टेक्स्ट अगर आपने खोल रखा है उस वर्ड पैड में, तो आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्लिक अगेन ऑन द वर्ड पैड वर्किंग एरिया, द टाइटल बार विल टर्न ब्लू। इट मीन्स दैट द वर्ड पैड विंडो इज एक्टिव नाउ। तो जब आप दोबारा से वर्ड पैड विंडो पे क्लिक करेंगे, तो जो टाइटल बार है इसका, उसका कलर ग्रे से ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा वर्ड पैड फिर से एक्टिव हो गया। देखिए, ये हमारा वर्ड पैड है। तो अभी मैंने क्या किया कि ये मेरे हम अपने वर्ड पैड के अंदर, आप ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, ये सबसे ऊपर, इसका कलर चेंज हो जाएगा अभी जब मैं बाहर क्लिक करूँगी। ये हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं, इसका कलर लाइट हो गया है। इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। बट अब जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे इस वर्ड पैड एरिया में, तो ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए देखिए, इसका कलर डार्क हो गया, अब इसका मतलब ये एक्टिव हो गया है। सिलेक्टिंग आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। तो आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स थे, मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम ये सुनेंगे कि अब हम इनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप्स आर क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। देखिए, बहुत सारे आइकन हैं, तो आप किसी भी आइकन पे एक बार क्लिक करिए। ये देखिए, जैसे मैंने इस पे कर्सर लेके गई और ये हाईलाइट हो गया। द मोमेंट यू क्लिक ऑन द आइकन इट टर्न्स ब्लू। तो जब मैं उस आइकन पे कर्सर लेके गई थी, वो हाईलाइट हो गया था, उसके अराउंड एक स्क्वायर सा बना हुआ आ गया था, इसका मतलब वो हाईलाइट हो गया। नाउ क्लिक ऑन एन अदर आइटम इट टर्न्स ब्लू एंड द प्रीवियस आइटम टर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। आई विल शो यू अगेन। तो मान लो आपने इस पे क्लिक किया, तो देखिए इसके अराउंड एक रेक्टेंगल सा बना हुआ आ रहा है। अब आपने इसको छोड़ के इस पे क्लिक किया, तो उसका कलर वापस सेम हो गया और इसके अराउंड रेक्टेंगल सा बना आ रहा है। डबल क्लिकिंग एन आइटम। डबल क्लिक करने का मतलब है कि दो बार अपने माउस का बटन प्रेस करना। तो डबल क्लिक करोगे जब आप किसी भी आइटम पे, तो वो ओपन हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, मूव द पॉइंटर टू द कंप्यूटर आइकन एंड क्लिक वंस टू सिलेक्ट इट। नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। तो अभी हमने जब आइकन पे प्रेस किया था, तो आइकन पे हम कर्सर लेके गए थे, तो वो हाईलाइट हो गया था। तो अब आप दो बार जब बटन प्रेस करेंगे, तो वो उसका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। द कंप्यूटर विंडो विल ओपन। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन। जो क्रॉस बटन आ रहा था हमारे ऊपर टाइटल बार पे, तो हमें उसको पे क्लिक करना है, तो द कंप्यूटर विंडो विल गेट क्लोज्ड। तो मान लो मेरे को ये खोलना है, दिस पीसी, मैं इस पे दो बार क्लिक करूँगी, ये खुल गया, और अब मुझे इसको बंद करना है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे क्रॉस बना आ रहा है रेड कलर का, इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।